मेरा नाम सर श्यामला राजपूत जी। जी, आप क्या प्रत्याशी, कौन से प्रत्याशी हो आप, कौन से पद पे खड़े हैं आप? मैं सर प्रधान पद पे उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार हूँ। कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव में आए आप? सर मुद्दा तो ये है कि गांव का निदान, जो कमियां हैं उनको पूरी करने की उद्योग में, जो कि जनता का जो मन के ब्यौरा है उनकी इच्छाओं को पूरी करना, और जनता के ही बीच से मैं खड़ा हुआ हूँ। जो कि जनता ने मुझे चाहा तो मैं खड़ा हो गया हूँ और जनता ने ही मुझे चुना। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव 3-4 गांव आते हैं हमने सुना, कौन कौन से गांव हैं आपके? सर पंचायत गुलारा है, इसके बाद महेवा गांव है, और इसके बाद महेवा से ही एक छोटा सा खीरा लगता है, इसके बाद मुराटा गांव। चारों गांव में सबसे बड़ी बड़ी समस्या क्या है? वो सर थोड़ी पानी की भी समस्या है, कहीं कहीं नलों का निदान कम है, और कहीं सड़क आवास की भी। चारों गांव की अगर कृपा हो गई तो पहला काम क्या कराओगे गांव में? अब सर उसमें मेरा तो मन एक ही बोलता है कि जो बच्चों के लिए 5 तक स्कूल तो बने हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 8 तक स्कूल बन जाए तो अच्छा है। अच्छा, ये आप कराने की कृपा करोगे? हाँ सर बिल्कुल, मैंने इस उद्देश्य को मैंने पहले लिया है, और कुछ कुछ मैंने इस उद्देश्य को लेके जब मैं खड़ा भी नहीं हुआ था, तब मैंने अपने कुछ लोगों को ये सुना दिया था कि बच्चों के भविष्य के लिए हम 8 तक स्कूल खोलने की कोशिश करें। कैसा प्रधान चाहिए आपको? आप हमको हाँ। जो गांव का विकास करें और हमारे जो सबको साथ में लेके चले, तानाशाही ना करें। पर मैं महेवा गुलारा और मुराटा बखेरा वालों से ये जनता का मेरा ये अनुरोध है कि मैं उनसे ये कहूँगा कि 15 तारीख को क्राइम बोट नंबर 7 पे ही भारी मतों से विजयी बनाए और मोहर लगाए, ताकि जनता से निवेदन करूँगा कि ये मोहर लगाना ना भूलें।